हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी का हिंदी का सिलेबस। टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अनुसार हम यहां पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, हम नमक की दरोगा की कहानी देखेंगे। दोस्तों, कहानी यहाँ प्रस्तुत करने का मकसद ये है कि अगर आप दो या तीन बार इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी को पढ़ने के बाद इससे जितने भी रिलेटेड ऐसे सवाल पूछे जाएंगे वह आपसे बन जाएंगे। तो मेहरबानी करके दो या तीन बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और परीक्षा में जब भी बैठें तो इस कहानी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपसे निश्चित ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रबल था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा
और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार जाती देखी, डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमी में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। कहाँ के? दातागंज के। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। मुंशी वंशीधर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बारहों मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बड़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख कर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले जाते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुकुम। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने यथार्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। वंशीधर ने गरम होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर।
किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पृष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानी और झोब शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार भी कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंगते, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रति एक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह खड़े बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले जो कि एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होता मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक
पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ ऐसे कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाता तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार का सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। अरे और गुलाबी पर्दे पहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़ देख पंडित जलोपी दीन है झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में एक आलिख लगी हुई है किंतु क्या करें, लड़का भगाया अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निशांत चाहे रखे पर ऐसे संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहें। आलोपी दीन के वात्सल पूर्ण स्वर को कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्यकार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्होंने अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर अपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग की हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भराया। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। यह 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है ना बुद्धि ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आँखें डबडबा गईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना है सान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। चलिए अब इसमें कुछ जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ देख लेते हैं। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दी गई, पटवारी लेखा जोखा रखने वाला सरकारी अधिकारी होता है। प्राबल्य, प्रधानता। जुलेखा, कुरान में हजरत यूसुफ और जुलेखा के प्रेम की कहानी है। कगारे पर का व्रज, वृद्धावस्था मतलब बूढ़ा। बरकत मतलब तरक्की। बेगरज मतलब लापरवाह।
आत्मावलंबन, खुद पर भरोसा रखने वाला, शूल अत्यधिक पीड़ा, सदा व्रत दान, सदा व्रत का मतलब होता है दान, अलहड़ भोला, कातर भय से कांपता हुआ, व्यग्र का मतलब व्यस्त, अघात जिसकी, तजवीज मतलब फैसला, और भग्न टूटा हुआ। तो यह था नमक का दरोगा की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।